मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। बड़ा इलाकों में बर्फबारी। लवारी टनल और मसाफात में बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू। दीर बाला में शहरियों को मुहतात ड्राइविंग की हिदायत। वादी लीपा में दर्जा हरारत -4 डिग्री तक गिर गया। बालाकोट में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान। पेशावर, कोटा और गिरदोनवाह में हल्की बारिश। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में धुंध। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। वादी रीपा के सयाहती मकाम नोकोट गली में गाड़ी को हादसा। मुसाफिरों से भरी जीप फिसलन के बायस खाई में जा गिरी। खुशकिस्मती से तमाम मुसाफिर हादसे में महफूज रहे। मकामी अफराद ने जीप में फंसे सयाहों को बाहर निकाला। पश्चिम में खानों जिले के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। 5 अफराद जाँबहक। जाँबहक अफराद में 3 खवातीन भी शामिल। जाँबहक अफराद में DSP की अहलिया, बेटा और बेटी शामिल। हादसा कार और ट्रॉलर के दरमियान पेश आया। वजीर आला पंजाब डी नोटिफाई केस। लाहौर हाईकोर्ट का लार्जर बेंच आज समाप्त करेगा। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला के अहदे से हटाने का नोटिफिकेशन आज वक्त मुअत्तल कर रखा है। वकील को तौहीन अदालत की सजा के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में वकला का धरना। जजेस के सामने धरना 20 घंटे से जारी। वकला ने रात भर जजेस गेट के सामने कयाम किया। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी के रात गए धरने में शिरकत। सार्फिन के लिए बुरी खबर। ओगरा ने 1 जुलाई से गैस 74% तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। सुईनॉर्दर्न के लिए गैस 74.42% महंगी। सुई सदर्न के लिए गैस 67.75% महंगी। काबीना के इक्तसादी राबता कमेटी का इजलास आज तलब। वजीर खजाना इसहाक डार सदारत करेंगे। इजलास में 5 निकाती एजेंडे की मंजूरी का इम्कान। दरामदी यूरिया की कीमतों पर नजरसानी पर भी गौर होगा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर के कदर में 22 पैसे इजाफा। $1.228.10 का हो गया। कराची, हैदराबाद और ठट्ठा डिवीजन में बलदियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। तीनों डिवीजन के 16 अजला में मजमू तौर पर 727 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। कामयाब उम्मीदवारों में कराची के 7, हैदराबाद के 410 और ठट्ठा डिवीजन के 310 उम्मीदवार शामिल। बलदियाती इंतखाबात में इंतकाल कर जाने वाले उम्मीदवारों की तादाद 49 हो गई। 15 जनवरी को अब कराची की 1203 नशस्तों पर पोलिंग होगी। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा वनडे आज कराची में खेला जाएगा। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है।